वहां पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको ये बहुत क्लियर बता दूं, रिजल्ट चाहे जो आए, अगर ये बीजेपी इस बार आती है तो जो ऐसे आपकी एक प्रवक्ता बोल रही थी, उन्होंने एक एक बिंदु पे नहीं, उन्होंने एक एक हिंदू पे मदद की है, मैं इतना कह सकता हूँ। ये जाति धर्म और हिंदू पुनर्जागरण के बीच का इलेक्शन होने वाला है, विकास बीजेपी ने किया नहीं है, इसलिए योगी आप अभी से मत करिए। गोरखपुर में योगी आ गया, गोरखपुर में योगी आ गया, सिंह सिद्धू को देखना पड़ेगा। चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से आ गए, और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से आ गए, और भदौर साहब और भदौर बरनाला और रूपनगर दोनों से आ गए। जी अर्नब सोहेल चरणजीत सिंह चन्नी आगे चले, जैसा आपने बताया कि चमकौर साहिब से बहुत कम वोटों से जीते थे पिछला चुनाव भी, इससे 2012 वाला चुनाव तो लगभग 3000 वोटों से जीते थे और 2017 में लगभग 16000 वोटों से जीते थे, इसलिए चन्नी को दूसरी सीट पर जाना पड़ा। भदौर से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी सीट है उनकी लखीमपुर सीट से, बीजेपी आगे चल रही, लखीमपुर खीरी की सभी सीटों से बीजेपी आगे चल रही है, बहुत बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ था उसके बाद ऐसा माहौल बना था कि भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत कमजोर धड़ा होगा, बहुत कमजोर भाग होगा, वो हिस्सा होगा, और उसको सभी पॉलिटिकल पार्टी ने भुनाने की कोशिश की। प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाने तक पहुंच गई, वहां झाड़ू तक लगाती रही, वहीं रुकी रही, वहीं डेरा डाल लिया, सभी सियासतदान जान जा लखीमपुर की सभी सीटों पर बीजेपी आगे, यही लखीमपुर की सभी सीटों पर बीजेपी आगे। चलिए आगे बढ़िए, बिल्कुल बीजेपी तो दो है भैया, पंजाब कांग्रेस 38, आम आदमी पार्टी 35, श्रोमणी अकाली दल 15, भारतीय जनता पार्टी 2। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पंजाब अभिषेक रिदम कांग्रेस 38, कांग्रेस आगे है मान साहब, आम आदमी पार्टी 35, श्रोमणी अकाली दल 15। एक मिनट, बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, लखनऊ की जो बख्शी का तालाब है उस कंस्टिट्यूएंसी में सपा के गोमती यादव आगे हैं, सपा के गोमती यादव ने लीड ले ली है, यह बड़ी खबर है, क्योंकि पिछली बार वहां पे अविनाश त्रिवेदी जीते थे और 6.7% 6.7% की उनकी लीड थी। डीलिमिटेड सीट है, पहले इसको महोना कहते थे, स्विंगर सीट है, पिछली बार 2012 में बीजेपी की थी, सपा की थी 2012 में, सॉरी बीजेपी की थी 2017 में, अगर सपा ने अर्ली लीड ली है यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन ऑफ वोट हुआ है, यानी कि सपा के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो योगेश शुक्ला बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के जो गोमती यादव है, गोमती यादव बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, दोनों हाउसहोल्ड नेम है वहां पे बख्शी के तालाब में। जी ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है अशोक जी, इससे पता चल रहा है कि सपा टक्कर दे रही है, जो